तो दोस्तों हम क्विज करने जा रहे हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है जी एडजॉइन ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट, इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ बी इज द मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज जीरो, अगर किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो वो इनवर्स जो है ना वो कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अ स्केल मैट्रिक्स विद वन ऑफ द डायगोनल एंड जीरो एल्स, यानी कि जिसके डायगोनल्स जो हैं वो वन हो और बाकी तमाम तर जो हैं वो सिफर हों, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, यूनिट इसका दूसरा नाम है कि स्केल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ वन हो और बाकी तमाम ज़ीरो हों, वो हमारे पास आइडेंटिटी में चली जाती हैं। अगर वन के अलावा बाकी डिफरेंट हों, टू टू हों, थ्री थ्री हों, तो वो स्केलर बन जाती है। अगर एटलीस्ट वन ज़ीरो जो है नॉन ज़ीरो नंबर हो डायगोनल में, वो हमारे पास होता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय द चेंजिंग रो एंड कॉलम, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज, जिसमें रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें, उसे हम ट्रांसपोज कॉलम का नाम देते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज, नहीं तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कैन नेवर बी स्टॉप, सो दैट्स व्हाई दैट इज अ फाइनाइट। जी सिंपल है, हमारे पास z एंड w आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको ऐड करेंगे तो वन टू में ऐड होगा तो थ्री आ जाएगा, और आयोटा टू आयोटा में होगा तो थ्री आयोटा। टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर द मल्टीप्लाई टू गेट बी ए, अब बी ए है तो इसका मतलब होगा कि जो बी की रो हैं वो ए के कॉलम के साथ मैच करने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, यानी जो बी ए लिखा है तो फर्स्ट वाले के रो और सेकंड वाले का कॉलम ये इक्वल होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे बी ए है तो बी की नंबर ऑफ कॉलम जी बी के नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, नो 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 नो, बहुत अदर स्केयर मैट्रिक्स बहुत हैव अ सेम ऑर्डर, ए भी नहीं जरूरी, बहुत सारा रेक्टेंगुलर, तो इसमें असल में होना चाहिए था इसका रॉ, जब इसके सारे ही ऑप्शन हो लेते हैं तो ये मेल करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो नहीं है।
जी तो 1.2 दैट इज़ द नेचुरल भी नहीं है, रैशनल है, इंटीजर है, क्या है?